सही गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ उन दिनों का कुछ क्लिप्स शेयर करने वाली हूँ। एक छोटी सी ब्लॉग है, जब कोरोना था, जब हम और मेरे हस्बैंड मिलके घर के सारे काम करते थे और रहते थे घर में, क्योंकि हम सबको पता है कि जब सेकेंड वेव आया था, फर्स्ट वेव आया था, तो उस टाइम पे हमारे घर में कोई काम वाला कोई नहीं, सब अपने अपने घर पे रहते थे और वो टाइम बहुत टफ था अपने आप को मैनेज करना। सिर्फ ऑनलाइन सर्विसेज चलती थी और कुछ भी नहीं चलता था और आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, कैसे सब चीजें मैनेज होगी। और उस टाइम पे मेरी नई शादी हुई थी, जस्ट शादी करके हम आए थे और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों आए थे यहाँ पे और अपने घर में, और बहुत बुरा हाल था। खैर, ये मेरा दूसरा घर है, वो मेरा पहला घर था, वहां से हम यहाँ पे शिफ्ट हुए 1.5 साल बाद। मतलब वो भी अपना था, ये भी अपना ही है, अभी भी वो है पर वो अभी रेंट पर है। और विला, हमें विला में रहना ज्यादा पसंद आया क्योंकि हम शोर शराबे से ज्यादा दूर रहना पसंद करते हैं। तो वो टाइम बहुत, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आई थी और पता है मैंने ना, सबसे अपनी कमजोरी बताऊं तो मैंने कभी काम नहीं किया था यार, घर के कोई काम नहीं करे थे, मुझे कोई काम नहीं आता था, किचन विचन संभालना, मैं सब्जियां काटती थी तो मेरे हाथ कट जाते थे, मतलब मुझे कुछ भी नहीं आता था। इन 2 सालों में, मेरे शादी को 2 साल हो चुके, 2 सालों में मैंने बहुत कुछ सीख लिया है और अब तो मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ ना कि मुंह से नहीं छूटेगा, पर वो टाइम मेरे लिए टफ था। और वो भी भगवान ने ऐसा कर दिया था कि आपको कोई हेल्प नहीं मिल सकता, कोई हाउस हेल्प भी नहीं थी मेरे पास, खुद से सब चीजें करनी थी। मेरे हस्बैंड भी थोड़े बहुत हेल्प करते थे, मैं भी करती थी और घर में ही हम रहते थे, जॉब वगैरह करते थे, तो वो टाइम कुछ ऐसा था मेरे लिए। और आप लोग भी उस टाइम पे मेरी क्लिप्स देखोगे जस्ट 2 ईयर्स बैक, जब मैं शादी करके जस्ट आई थी, कि मैं बहुत स्लिम ट्रिम और बहुत पतली थी उस टाइम के क्लिप्स, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। तो आइए मैं आपको वो ब्लॉग दिखाती हूँ जो मैंने थोड़े बहुत शूट करके रखे हुए थे। सो ही गाइज, वेलकम टू माई ब्लॉग चैनल सुपर लुक ब्लॉग। आज है दशहरा और अभी मैं फ्रेश होकर उठे हैं और फाइनली आई एम मेकिंग अ टी एंड लेट्स सी हाउ द डे गोज। तो सेकेंड वेव में हमारे पास कोई भी हाउस हेल्प नहीं था, हम मिलके घर का काम करते थे। यहाँ पे हस्बैंड को मैंने चाय दिया था, ये सुबह सुबह का टाइम था। वी हैव समथिंग वेरी स्पेशल टुडे, वी हैव बॉट दिस गूगल इनसाइट मिनी। आप जाते हैं कौन सा ये, देखो आप घर पर अपनी पसंद के ऐसे खास कर, इससे हम जो भी बोलेंगे ये प्ले करता है। सो गाइस, ये 2 साल पहले की क्लिप है और हम लोग जस्ट शिफ्ट हुए थे, न्यू शादी हुई थी मेरी, तो हम धीरे धीरे अपनी गाइस, तो अब मैं नहाने जा रही हूँ, नहा के पूजा करूँगी और उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी। ओके, तो फाइनली आई एम डन विद कपड़ा एंड ऑल, मैंने बेडशीट लगा दी है और कपड़े धुलने को डाल दिए हैं, अब बारी है पूजा करने की, तो मैं पूजा करने जा रही हूँ और पूजा करने के बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। सो ब्रेकफास्ट जब करने की बारी आई थी तो पता चला था, हमें इनविटेशन मिली थी कि नीचे भंडारा है, दशहरा का दिन था, तो हम नीचे ही चले गए कि चलो भले इस कोरोना में कुछ तो सुकून मिला कि ब्रेकफास्ट से छुट्टी मिली, तो यहाँ पे सारे लोग अपना खा रहे थे, भगवान का प्रसाद था, हम भी चले गए और फिर बहुत अच्छा लगा, बहुत टेस्टी खाना था, मुझे अभी भी याद है यार। यहाँ पे हम लोगों ने पूड़ी सब्जी और हलवा लेके बैठे थे एज यूजुअल भंडारा खाना, फिर घर आई तो कुछ पार्सल आए थे जो मैंने मंगाया था करवा चौथ के लिए। तो ये ज्वेलरीज थी जो मैंने मंगाए थे आई थिंक मीशो से उस टाइम पे 2 साल पहले, ये ज्वेलरी अब तो मुझे पता भी नहीं है कहाँ चला गया ये सब।